नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन एनर्जी सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश के जो अलग अलग स्टेट्स है वहां पर पावर सप्लाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ से टोटल 23 न्यू इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्लेट्स को अप्रूव कर दिया गया है, जिनकी टोटल वैल्यू 15,893 करोड़ रुपीज की है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जो 23 प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से 15 ऐसे हैं जिनको टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंतर्गत अप्रूव किया गया है एंड इनकी वैल्यू 14,766 करोड़ रुपीज की है। एंड वहीं 10 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म के अंतर्गत अप्रूव किया गया है एंड इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,127 करोड़ रुपीज की है। एंड इसके चलते आने वाले समय में राजस्थान स्टेट में 14 गीगावाट के रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, गुजरात में 4.5 गीगावाट के रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, मध्य प्रदेश के नीमच सोलर पार्क में 1 गीगावाट का रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, इन सबको फैसिलिटेट किया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ में अखनूर एंड जम्मू रीजन में सब स्टेशन को भी सेटअप किया जाने वाला है, जिसके चलते आप कह सकते हैं आने वाले समय में हमारे देश के इन सभी एरियाज में जो पावर सप्लाई है उसको एक बेहतर अपग्रेडेशन मिलेगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इनोग्रेट किए गए कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों गोरखपुर सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहां पर 3 मेगा प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट कर दिया गया है, जिसकी टोटल वैल्यू 9,600 करोड़ रुपीज से ऊपर की है। सो बिल्कुल दोस्तों अगर आपको याद होगा तो सिर्फ एक वीक पहले मैंने आपको बताया था कि गोरखपुर में जो एम्स है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है एंड जल्दी इसका जो इनोग्रेशन है वो भी किया जाने वाला है। एंड नाउ इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट कर दिया गया है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए 1,011 करोड़ रुपीज स्पेंड किए गए हैं। एंड इसके चलते आने वाले समय में यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल, यहाँ के जो लोग हैं उनको बेहतर फैसिलिटीज मिल पाएंगी। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर 36 करोड़ रुपीज़ की लागत से सेटअप किया गया एक रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जो कि ICMR के लिए बनाया गया है, इसको भी इनोग्रेट किया गया है, जहाँ पर वेक्टर बोन डिसीज के टेस्ट एंड रिसर्चिंग पर काम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक मेगा फर्टिलाइजर फैक्ट्री को भी ओपन किया गया है जो कि पिछले 30 सालों से बंद पड़ी थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इन दोनों स्टेट का जो बुंदेलखंड एरिया है वहां पर बेटर वाटर अवेलेबिलिटी के लिए हमारे जो कैबिनेट है उनकी तरफ से केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है, जिसके ऊपर 44,605 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट की मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुंदेलखंड रीजन का ड्राउट प्रोन एरिया जो कि स्पेसिफिकली यूपी स्टेट में आता है, यहां पर इरिगेशन के लिए मध्य प्रदेश में जो केन रिवर बहती है उसका जो सरप्लस वाटर होगा उसको बेतवा रिवर जो कि यूपी स्टेट में है वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। एंड इसके लिए 230 किलोमीटर लंबा एक कैनाल, 2 किलोमीटर वाइड एंड 77 मीटर टॉल वाइड धोदन डैम, लोअर ओवर प्रोजेक्ट, कोठा बैराज, बीना कॉम्प्लेक्स, इस तरह के ब्रिज पर काम किया जाएगा। एंड इसके चलते आने वाले समय में एनुअली 10.2 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को इरीगेट किया जा सकता है। एंड इसके साथ साथ में ये जो ड्राउट प्रोन एरिया है यहाँ पर 62 लाख पीपल को ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा और इसके अलावा 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर एंड 27 मेगावाट की सोलर पावर को भी यहाँ पर जनरेट किया जाएगा। और क्योंकि अब इसको अप्रूव किया जा चुका है तो 44,605 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करके अगले 8 सालों के अंदर अंदर इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा फिर से ये कह दिया गया है कि वो इस समृद्धि महामार्ग को गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंड करने वाले हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट के ईस्टर्न एंड पर लोकेटेड है। एंड इसके लिए जो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उन्होंने एक कंसल्टेंट को हायर करने के लिए टेंडर भी फ्लोट कर दिए हैं जो कि आने वाले समय में इस एक्सटेंशन के लिए DPR प्रिपरेशन का काम करेगा। सो बेसिकली दोस्तों अभी मैंने एक दो दिन पहले आपको बताया था कि जो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनके द्वारा कहा गया है कि वो इस महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से भी कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए 179 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड स्ट्रेच का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा एंड उसको अप्रूव भी किया जा चुका था। एंड नाउ इनके द्वारा फिर से कह दिया गया है कि ये अब इस महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को गोंदिया एंड गढ़चिरौली तक एक्सटेंड करेंगे, जिसके लिए अराउंड 225 किलोमीटर लंबी न्यू स्ट्रेच का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा एंड इसका नाम इनके द्वारा ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे रखा गया है। एज ऑफ नाउ इसके अलावा कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं प्रोवाइड करवाई गई है, लेकिन एक बार इसकी जो DPR बनकर तैयार हो जाएगी तो इसके सभी प्लान्स बाहर रख दिए जाएंगे और एक बार ये जब बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो ये महाराष्ट्र स्टेट का ऐसा पहला रोड होगा जो कि एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पर जाकर खत्म होगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों लैंड एक्विजिशन एंड लैंड अवेलेबिलिटी इन प्रॉब्लम्स के चलते हमारे देश का जो फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ये डे बाय डे डिले होता चला जा रहा है। एंड नाउ एक और प्रॉब्लम सामने निकल कर आई है जिसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि अब इसके चलते जो प्रोजेक्ट है अब और डिले हो सकता है।
तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूं। तो जैसा कि आप जानती हैं कि जो लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम है, इसके चलते जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये पहले ही बहुत डिले हो चुका है। स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट में इसका काम तो बहुत ही धीरे चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एंड नाउ हमारी जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उनके द्वारा कहा गया है कि 2022 के एंड यानी कि अगले साल के एंड तक उनके द्वारा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए एक स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि जिस लैंड पर जो स्टेशन है इसका कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला था, वहां पर ऑलरेडी जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड प्लान्स के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर था इसको यहां से रीशिफ्ट करके किसी और लैंड पर दोबारा से बनाया जाने वाला था, जिसके चलते यहाँ पर जो स्टेशन है उसके लिए लैंड अवेलेबल हो जाती। बट दोस्तों एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर है इसको ना तो यहाँ से रीशिफ्ट किया गया है एंड ना इसका जो डिमोलिशन का काम है उसको भी स्टार्ट किया गया है। और वहीं जिस जगह पर इसको दोबारा से रीशिफ्ट किया जाने वाला है उस लैंड को भी अभी तक एलोकेट नहीं किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है या फिर स्टेशन के लिए जो लैंड की अवेलेबिलिटी है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। और इसको देखकर हमारे जो NHRCL है उनके द्वारा कहा गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके चलते हमारे देश का जो फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो और भी ज्यादा डिले हो सकता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है वो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन होने वाला है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम भी लगने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोजेक्ट और भी डिले होगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है होम ग्राउंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप, जहां पर दोस्तों उनका जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड जो एनर्जी स्टोरेज बिजनेस है उसको एक्सपांड करते हुए मैटर की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो गुजरात स्टेट में 1500 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एंड इसके लिए उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों इसके थ्रू ये कंपनी होगी इनके द्वारा नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन इसको डेवलप किया जाएगा। एंड ये जो 1500 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट होगी इसमें से 1200 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इस पर की जाएगी, आप कह सकते हैं मोस्टली इस पर ही की जाएगी। और वहीं जो रिमेनिंग 300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है उसको इनके द्वारा एनर्जी स्टोरेज पर इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड अगले 5 सालों के अंदर तक इनका जो पूरा का पूरा प्लान है ये गुजरात स्टेट में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके थ्रू ये इनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करेंगे ही करेंगे एंड साथ में 4000 न्यू जॉब भी जनरेट करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की एक न्यू बर्ड सेंचुरी को लेकर, जहां पर दोस्तों जो रेयर बर्ड स्पीशीज हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए तमिलनाडु स्टेट की इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से काजूवेली वेटलैंड जो कि तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में है उसको एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड नाउ ये न्यू बर्ड सेंचुरी है ये तमिलनाडु स्टेट की 16th बर्ड सेंचुरी बन गई है। तो दोस्तों जो काजूवेली वेटलैंड्स है ये तमिलनाडु स्टेट की सेकंड बिगेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है एंड यहाँ पर कई सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन ह्यूमन इंटरफेस के चलते यहाँ पर जो पूरा का पूरा इंटायर इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है एंड इसको दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए इसको एक न्यू बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, जो कि अराउंड 5151.6 हेक्टेयर के एरिया में फैली है एंड ये विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट के वनूर एंड मरक्कम तालुकास में आती है, जो कि आप कह सकते हैं काफी बड़ी अपडेट है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों नेशनल हाईवे 48 जो कि गुरुग्राम को जयपुर से कनेक्ट करता है इसके बीच में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि वो इस स्ट्रेच पर कुछ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च करने वाले हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क जनवरी 2022 में ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो नेशनल हाईवे 48 है वो दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है एंड आगे कर्नाटक स्टेट तक जाता है एंड ये हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रूट माना जाता है एंड इसी के चलते हमारे देश में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड नाउ उसके अलावा हमारे देश में ये जो नेशनल हाईवे 48 है इस पर जो ऑलरेडी ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिलता है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से ये न्यू प्लान्स प्रिपेयर किए गए हैं, जिसके अंतर्गत हरियाणा के मानेसर में एक एलिवेटेड रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा एंड इसके कंस्ट्रक्शन के लिए 90 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाएंगे। इसी के साथ साथ में मानेसर में एक और फ्लाईओवर को डेवलप किया जाएगा और वहीं गुरुग्राम के बिलासपुर चौक में भी एक और फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा एंड इन दोनों फ्लाईओवर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए टोटल 23 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाएंगे। एंड जो एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे है इस पर जो रिपेयरिंग वर्क है उनके लिए भी 459 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाएंगे। इसके अलावा धारूहेड़ा टाउन जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर भी एक न्यू बाईपास के कंस्ट्रक्शन के लिए 200 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाएंगे।